अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 28 जो कि है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? द काउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर ड्रॉ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी गैसियस एटम में जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -328। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आमतौर पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। उसकी वजह ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मान लीजिए ये जो आयन है, ये जो आयन बनता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पहले और सेकेंड आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो फिर इसकी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ऐड करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ऑक्साइड आयन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और डेल्टा एच की वैल्यू है -141। इसी तरह अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्साइड ओ -1 बनता है, अगर इसी ऑक्साइड -1 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ऑक्साइड -2 बनता है। अब जब नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है, अब नेगेटिव चार्ज आयन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। इसके बाद अफिनिटी बीच अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। उसके बाद ट्रेंडिंग पीरियड है, जैसे हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, लेफ्ट राइट अगर हम मूव करते हैं तो एटम का साइज कम होता है, एटम के साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है बढ़ती है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है, जैसे बेरिलियम है, जैसे नाइट्रोजन है और जैसे नियॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है क्योंकि ये स्टेबल है, जैसे बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, यानी इसके s अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन है, s अक्षर कंप्लीट है। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कंफिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p3। अब इसमें p जो है ना वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर p सब शेल एम्प्टी होता, अगर p सब शेल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड तो उसकी एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फिर इसीलिए वो मजीद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है। इसी तरह नियॉन, नियॉन का भी ऑर्बिटल या शेल नॉर्मल है तो इसीलिए नियॉन की भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो है। उसके बाद ट्रेंडिंग ग्रुप, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, जैसे 328, 325, 295। अब फ्लोरीन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो डिक्रीज होती है, मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन जो है ना उसमें डी सब शेल होते हैं, यानी डी सब शेल, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना वो डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है जो मजीद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, जबकि क्लोरीन उसमें डी सब शेल होता है एम्प्टी, इसीलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग के बाद एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्लाइड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे दो एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एच और सी एल, अब इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.2, हाइड्रोजन की 2.2, इनमें 1 का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पर माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एटम बॉन्डिंग के बाद एटम का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्लाइड को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो
ट्रेंड इन पीरियड, जैसे हम पीरियड में मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे रिफाइनमेंट लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अब इसमें देख सकते हैं लिथियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है 1.0, इसी तरह बेरिलियम 1.6, बोरान 2 और कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 3.2 और फ्लोरीन 4, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप में बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आमतौर पर डिक्रीज होती है क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4 है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3 और आर्गन की 2.7, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, छोटे साइज के एटम ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं जबकि बड़े साइज के एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर